हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा अरोरा रेसिपीज़ चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़ेब्रा रोल केक, जिसे आप तवे पर सिर्फ 7 मिनट में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक बाउल में आधा कप दूध लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना दूध बहुत ज़्यादा गर्म और ना ठंडा। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच सफ़ेद सिरका डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके ऊपर छन्नी रखेंगे, आप चाहें तो अलग भी छान सकते हैं, मैं इसके ऊपर ही छान रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मैदा, 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे, ये घर की पिसी हुई चीनी है जिसे आप नॉर्मली ग्राइंडर जार में पीस कर तैयार कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और इन सबको हम छान लेंगे। ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स छान लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल, आप कोई भी ऑयल ऐसा डालें जिसमें कोई स्मेल ना हो पर्टिकुलर। और कुछ बूंदे इसमें पाइनएप्पल एसेंस की डाल रही हूँ मैं, आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से विस्क करके मिक्स कर लेंगे। आप ध्यान रखें इसमें कोई भी लम्ब्स या गुठलियाँ ना हों। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर ये तैयार हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अब हम इसे 2 भागों में बांट लेंगे। ये देखिए हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है इस तरह से। अब हम एक बाउल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच कोकोआ पाउडर और साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। ये इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए ये बैटर भी तैयार है। अब हमारे पास ये दोनों बैटर तैयार हैं। अब हम एक नॉनस्टिक तवा पहले बोर्ड पर रखेंगे, इसे हम पहले अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जैसे हम अपने केक टिन को ग्रीस करते हैं बिल्कुल ऐसे ही एकदम अच्छे से कोने तक हमें इसे ऑयल लगा लेना है। ये देखिए हमने पूरे तवे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर ये बैटर डालेंगे 1-1 चम्मच करके। सबसे पहले हम ये प्लेन बैटर डाल रहे हैं, उसके बाद ये कोकोआ मिक्स का बैटर डालेंगे, फिर से प्लेन मिक्स का बैटर। इस ज़ेब्रा रोल केक को बनाना इतना आसान है कि जब भी आपको कभी मीठा खाने का दिल हो या केक खाने का दिल हो, तो आप इसे झटपट कुछ मिनटों में ही तवे पर तैयार कर सकते हैं इस तरह से, और ये बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। ये दोनों बैटर हमने इसमें 1-1 चम्मच करके डाल दिए हैं और ये देखिए ये पूरा अच्छे से इसने तवे को कवर भी कर लिया है। अब हम इसे बहुत ही सावधानी से उठाएंगे, गैस हमने पहले ही ऑन कर दिया है, फ्लेम लो कर दिया है, इसके ऊपर रख देंगे और अब हम इसे थाली से ढक देंगे और ढककर तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे। क्योंकि ये बहुत ही पतली शीट है, तो आप ध्यान रखें ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है और इसका फ्लेम लो ही रखें। फ्रेंड्स, अब आप भी घर बैठकर के बिज़नेस कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में। ये है मीशो। मीशो एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके बिज़नेस कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ काम करना बहुत ही आसान है। इसमें बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन 7 से 8 लाख। आप कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पर। ऑर्डर आने के बाद डायरेक्टली मीशो आपके फ्रेंड तक वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा और बीच का प्रॉफिट आप कमाओ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम इसका ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये एकदम ऊपर से ड्राई हो चुका है इस तरह से, और टूथपिक भी आप लगाकर देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन आती है। और ये बहुत ही पतली शीट होती है, तो इसलिए बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। हम इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और जैसे ही हल्की सी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे पलटे की मदद से सब तरफ से छुड़ा लेंगे तवे से इस तरह से। आप इसे बहुत ही सावधानी से इस तरह से करें। मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, इसलिए आपको जल्दी लग रहा है, लेकिन मैंने ये काम बहुत ही आराम से किया है। और ये सारा हमने केक तवे से छुड़ा लिया है। अब हम इसके ऊपर पाउडर शुगर डस्ट कर देंगे थोड़ी सी। ये हमने पूरी केक शीट पर पाउडर शुगर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर एक बटर पेपर रखेंगे और इसके ऊपर एक प्लेट उल्टी करके रखेंगे, और अब हम इसे पलट देंगे बहुत ही सावधानी से। ये देखिए तवे को उल्टा करके रखने से ये पूरी जो केक की शीट है वो हमारी बटर पेपर पर आ गई है, और अब इस शीट को हम बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे आराम से। अब हम इसके किनारों को कट कर देंगे, और ये देखिए जो केक की शीट है ये कितनी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है, और इसका पैटर्न भी बहुत अच्छा आया है। और ये हमारे पास स्क्वायर शीट तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा देंगे। मैं इसे पाइपिंग बैग से लगा रही हूँ, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट चम्मच और या फिर स्पैचुला से भी लगा सकते हैं। ये हमने सारे में व्हिप क्रीम लगा दी है, आप चाहें तो इसकी जगह जैम लगा सकते हैं या फिर न्यूटेला भी लगा सकते हैं।
अब हम इसे स्पैचुला से बिल्कुल इवन कर देंगे और अब हम इसे एक साइड से रोल करना शुरू करेंगे बटर पेपर की हेल्प से इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें रोल करते हुए पूरे केक शीट को हमने रोल कर लिया है। आप इसे बहुत ही आराम से और बहुत सावधानी से करें। अब हम इसे इस बटर पेपर में ही रोल कर देंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल कर इसे बटर पेपर से निकाल लेंगे। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे और लीजिए हमारा ज़ेब्रा रोल केक बन करके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और मॉइस्ट है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।